आगामी 3 मार्च को संकल्प रैली की तैयारी को लेकर आरा के पूर्व विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बाइक जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। वहीं बाइक जुलूस में पूरे आरा नगर में घूम घूम कर 3 मार्च को पटना चलने और रैली को सफल बनाने का अपील नगर वासियों से की गयी। संकल्प रैली की तैयारी को लेकर आप लोग क्या कह रहे हैं? विशाल संकल्प रैली आयोजित है पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च 2019 को, और इस रैली को संबोधित करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। एनडीए की रैली है और एनडीए के सभी घटक, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी सहित दिल्ली और प्रदेश के सभी बड़े नेता वहां उपस्थित रहेंगे और सबको संबोधित करेंगे। बिहार के कोने कोने से लोग वहां पहुंचेंगे, लाखों की तादाद में। एनडीए की सभी घटक दलों की रैली है, इसलिए रैली रैला में बदल जाए और इसमें भोजपुर वासियों का योगदान हो जाए तो मैं समझता हूँ कि यह रैली सफल होगी, अभूतपूर्व ढंग से सफल होगी। भोजपुर से और शाहबाद से लाखों लोग चले और इस रैली को वहाँ सफल बनाए। माँ बहनों से अपील है, भाई बंधुओं से अपील है, सभी से आग्रह है, निवेदन है, हम सभी उन्हें निमंत्रित करते हैं। आप वहाँ पहुँच के हमें आशीर्वाद, अपना स्नेह प्रदान करें। और आज यह इसलिए भी आवश्यक है कि आज हम देख रहे हैं देश जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे में आम जन के मन में यह बात बिल्कुल घर कर गई है कि यह देश श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ही सुरक्षित है। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए भी हमें गांधी मैदान में भारी तादाद में वहां उपस्थित होने की आवश्यकता है। हम नरेंद्र मोदी के मनोबल को बढ़ाएं और उन्हें एहसास कराएं कि बिहार की सारी जनता आपके साथ खड़ी है, आप देश के लिए लड़ रहे हैं, आप मजबूती के साथ लड़िए, हम सब भी आपके साथ उस युद्ध में, उस लड़ाई में शामिल हैं, कहीं कोई कमी नहीं होने देंगे, अंतिम विजय हमारी होगी, इसका प्रदर्शन, इसका एहसास हमारी उपस्थिति से गांधी मैदान में हो जाए, यही आप सबसे निवेदन है।